नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। कोमल, कोमल आप क्या करते हैं? मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है, बट मेरे को ना सिलाई में ना इंटरेस्ट नहीं था, पर एक जगह ना मैंने सूट सिलाया, उन्होंने ना मेरे से ना पैसे ज़्यादा लिए और उन्होंने जो सूट की 350 रुपये सिलाई है उन्होंने मेरे से 400 रुपये सिलाई है। उस दिन से मुझे ना ऐसा लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए सिलाई, और आगे का भी नहीं पता आगे जाके हमें कैसा घर मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, है ना। कोई ये नहीं है, पेरेंट्स तो अपनी जगह से सही ढूंढते हैं, बट हमें नहीं पता वो गरीब मिल जाए कैसा मिल जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना तो कम से कम सील सकती हूँ ना सूट। और आपको इसके बारे में किसने बताया, यहाँ स्कूल के बारे में? सरदार जी करता है। मेरे स्टूडेंट आते हैं शाम को यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उन्होंने ही बताया है कि दीदी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, आप वहाँ पर चलो, और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। वेरी गुड। और आपको आए हुए कितना टाइम हो गया कोमल? मुझे अभी सिर्फ जस्ट 15 दिन हुए हैं, 15 डेज हुए मुझे यहाँ आते हुए, और मेरे को अभी ना सिर्फ ड्राफ्ट पे सिखाया, उसी ड्राफ्ट से मैंने सूट कट किया है। वेरी गुड। हाँ जी, और मैं वो सूट कल पा के आऊंगी, मैंने सील भी लिया है वो वाला सूट। अच्छा। हाँ जी, तो कल आपके फोटो सूट में हम लेंगे। हाँ जी, वो सूट मैंने सील लिया है। और कोमल, यहाँ पे लग कैसे रहा है आपको आके? मैम मुझे यहाँ आके ना ऐसा फील होता है जैसे मैं अपने घर में आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो ना, आपकी टीम इतना अच्छा वर्क कर रही है, जो आप यहाँ फ्री में स्टिचिंग दे रहे हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आके ना सब ऐसे गाइड करते हैं सारे टीचर, और आप भी इतने अच्छे टीचर हो, इतने अच्छे गाइड कर रहे हो। मुझे लगा था मैम आ रहे हैं, पता नहीं मैम क्या, और आपको देख के तो ऐसा लगा जैसे ना भगवान हो आप। थैंक यू कोमल। सच में ऐसा लगा मैम, मैं बहुत डरी पड़ी थी आज, मैडम आ रहे, मुझे नहीं पता था कि मैम बहुत अच्छे हैं। बट थैंक यू मैम, बहुत अच्छे हैं। आपको आके इधर अच्छा लगा, हम किसी बेनिफिट कर पाए, हम किसी की हेल्प कर पाए, उससे अच्छा लगा। तो 6 महीने का कोर्स आपको पूरा करना है। हाँ जी मैम। और इधर आते रहना है। हाँ जी, थैंक यू।